बंदगी अहकाम सीखें, हफ्तावार अहकाम की निशस्त रखें। आप अपने अपने इलाके में मस्जिदों में पढ़ा लिखा जिम्मेदार पेश नमाज मुअय्यन करें, फिर उसकी कदर करें, उसका एहतराम करें और उससे कहें कि हफ्तावार हम आएंगे, हमें छुट्टी नहीं है, हमें रोजाना सर्विस पे जाना है, हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है, हमारी जमीन जायदाद है, खेती बाड़ी है, हम रोज नहीं हाजिर हो सकते, हम हफ्ते में एक दिन आपकी खिदमत में आएंगे, हमें उस दिन आपसे जाकिरी नहीं सुननी है, हमें फजाइल नहीं सुनने, मसाइब नहीं सुनने, हमें तो मौला के अहकाम बताओ कि मौला हमसे चाहते क्या, हुक्म सुनाओ। इश्क व बंदगी के इरादे से हुक्म का सुनना उतना ही सवाब रखता है जितना फर्श अदा बिछाकर मजलिस अदा करने का। मजलिस अदा का अपना मकाम है, मजलिसों में कमी नहीं आनी चाहिए, मातम के शोर में कमी नहीं आनी चाहिए, जुलूस अदा के शिकोह में कमी नहीं आनी चाहिए। हुसैन मजलूम का परचम हमेशा बुलंद रहना चाहिए और मैं कह चुका हूं कि वो बुलंद रहेगा, तुम बुलंद रखो या ना रखो, वो बुलंद रहेगा। ये तो सआदत मंदी है हमारी कि उसके जेरे साया सांस लेने का मौका मिल जाता है, उसमें कोई कमी ना आए। बदल नहीं बता रहा हूं कि मजलिसें न करके अहकाम की नशस्तें रखो, नहीं, मजलिसें अपनी जगह मुसलसल रहें मगर अहकाम से गफलत ना हो। मौला की फौज में दाखला कैसे होगा जब तक कि डिसिप्लिन ना ही मालूम होगी। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं मालूम होगा तो दाखला कैसे होगा। हर शख्स चाहता है हम मौला की फौज के सिपाही बन जाएं। कैसे सिपाही बनेंगे? कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ डिसिप्लिन होती है, कुछ अदब होता है, ये सीखें, कौन सिखाएगा? तकलीद को ये कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि हम बयात नहीं करते। तकलीद बयात नहीं है, बयात हम मासूम की करते हैं, गैर मासूम की बयात नहीं करते। मुज्तहिद की तकलीद होती है, बयात नहीं होती। मुज्तहिद की तकलीद इंसान को तरबियत देकर इस काबिल बनाती है कि मासूम की बयात कर सके। बयात का सलीका भी तो आए, कैसे बयात करेंगे, कैसे बयात करेंगे? बयात की सफ में खड़े होने का सलीका तो आए, हाथ बढ़ाने की जरूरत कैसे होगी? वो सलीका तो आए, वो डिसिप्लिन तो सीखे, नफूस की तरबियत करें, बंदगी सीखें इश्क के साथ और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कैसा उरूज पैदा होता है। बस जो बातें अर्ज करना चाहता था वो अर्ज कर चुका, अब कुछ बातें तो मेराज की ओर हो जाएं। मेराज मुस्तफा आयात इलाहिया में से, मुअज्जजात इलाहिया में से, खुद मेराज का सफर मुअज्जजा है। मुअज्जजा दर मुअज्जजा दर मुअज्जजा दर मुअज्जजा, इस एक मुअज्जजे में न जाने कितने मुअज्जजे। बुराक का वजूद मुअज्जजा, रफरफ का वजूद मुअज्जजा, मुस्तफा का वजूद मुअज्जजा, बुराक के साथ सफर मुअज्जजा, सिदरतुल मुंतहा तक जाना मुअज्जजा, सिदरतुल मुंतहा से पहले मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना मुअज्जजा, मस्जिद अक्सा से आसमान की बुलंदियों तक जाना मुअज्जजा, एक एक आसमान की तफसील के साथ सैर करना मुअज्जजा, जन्नत को देखना मुअज्जजा, जहन्नम को देखना मुअज्जजा, और उसके बाद मकाम काबा कौसैन व अदना तक पहुंचना और वहां जाकर मुअज्जजे पर मुअज्जजे देखना, ये देखना शान खुदा कि मुस्तफा जिसे जमीन पर छोड़कर आए थे वो तो वहां खलवत सरमदी में मौजूद है।
यहां पर क्या करूं। जनरल साहब भी तशरीफ फरमाए, ये चाहें तो फ्लाइट लेट हो सकती है, मैं फजाइल पढ़ सकता हूं, मगर आमतौर पर ऐसी होती नहीं है। ये फ्लाइट लेट करा भी दें तो मेरी आवाज जो साथ नहीं दे रही है उसका क्या करूं। मेराज मेरा बहुत पसंदीदा मौजू है, और अब पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, हमारे बिरादर शफीक व बुजुर्गवार जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मौलवी शफा नजफी साहब तशरीफ फरमाए। जो नादान लोग हैं वो मौलवी कहने पे नाखुश होते हैं, कहते हैं आपने मेरा मर्तबा छोटा कर दिया। मौलवी होना बड़ा मर्तबा है, मौलाना होना बड़ा मर्तबा नहीं होता। मौलाना तो कोई भी हो सकता है, मौलवी वो होता है जो मौला का होकर रह जाए। मौलवी इसमें मंसूब है, मौलाना मुजाफ मुजाफिल है, मौला ना की तरफ मुजाफ है। मौला ना की तरफ मुजाफ है। अरबी में तो ना है जमीर जमع متکلم, उर्दू में ना के मानी आप जानते हैं। मौलाना यानी हमारे मौला, हम किसी को भी मौला बनाने, हमारे बनाने का क्या मेयार है? लोगों ने कैसे कैसों को क्या क्या बना दिया, उससे क्या फर्क पड़ गया? फर्क क्या पड़ गया? न बनाने वाले बन सके, न बनने वाले बन सके, दोनों बिगड़ के रह गए। हम जिसे भी चाहे मौला बना लें, मौलाना कहना शुरू कर दें। असल काम है मौलवी बनना। मौलवी में मौला के साथ याए निस्बत है, मौलवी यानी मौला वाला, सुभान हुवा ताला, जो अपने को वक्फ है मौला का, मौला। और फरमाया मौलल मौलवी, मौलानल मौलवी। पहले उलमा के अलकाब व आदाब लिखे जाते थे तो उसमें यह लिखा जाता था, तीन चार पांच सत्रों में अलकाब होते थे, और वो अलकाब में आयतुल्लाह और हज्जतुल इस्लाम और फिकतुल इस्लाम और रईसुल मुतकल्लमीन और जितने काफिया बंदी हो सकती थी सब होती थी। आखिर में पहले लफ्ज मौलाना आता था, फिर मौलानल मौलवी, यानी ये हमारा मौलाना वो है कि जो असल में मौलवी है। यानी हमने किसी ऐसे वैसे को मौलाना नहीं कहा है, बल्कि जो मौला वाला है उसी को हमने अपना मौला या आपा या पेशवा बनाया है। बहरहाल ये तशरीफ फरमाए तो मैं मकाम शुक्र में तहदीत नेमत कर रहा हूं। ये जो बह